जो चुनाव अभी तक तूफानी तरीका से नहीं लड़े गए थे, बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में तूफानी के तौर पर जो कि पिछली बार हम उससे भी बेहतर होकर के हम इलेक्शन लड़ेंगे और आपको सरकार बना के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। और मेरा ही वादा नहीं है, बहन जी भी बहुत सीरियस है इसके लिए। बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सारी टिकटें बिकती हैं हर पार्टी में। कौन सी टिकट नहीं बिकती? बीजेपी में टिकट नहीं बिकती क्या? कांग्रेस में टिकट नहीं बिकती क्या? आम आदमी तो 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ में टिकटें बिकती हैं भाई मेरे। ये सब पार्टियां टिकट बेचती हैं, लेकिन इनके दिमाग में कौन सी पार्टी खटक रही है? बहुजन समाज पार्टी। बस इसको बदनाम करो, इसके बढ़ते हुए मूवमेंट को रोको, क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी है जो यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती है, यहाँ के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है। शेखर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बखूबी से बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हो और मैं आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी का होता है या समाज का होता है या बाबा साहब का होता है, एक्स वाई जेड जितने महापुरुषों के प्रोग्राम होते हैं आप उनको कवर करने जाते हो, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं जिला अध्यक्ष तुगलकाबाद दिल्ली से हूँ, और आज यहाँ हम साहब काशीराम जी के परिनिर्माण दिवस पर ये बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हम 12 गुरुद्वारा गंज रकाब गंज रोड पर हम हैं, जो कि बहुत आलीशान ये प्रेरणा केंद्र बना हुआ है, और इसके लिए इसकी सराहना जो पूरी बहुजन कम्युनिटी करती है, क्योंकि बहन जी ने ये कर दिखाया है और ये हमारा एक इतिहास भी खड़ा कर दिया बहन जी ने। तो यहाँ पर हम साहब काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, क्योंकि साहब काशीराम जी ने जो भी बहुजन मूवमेंट के लिए बहुजन समाज के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। वही आज बहन मायावती जी ने पिछला कुछ इतिहास दोहराते हुए फिर उस इतिहास में जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को साहब काशीराम और बाबा साहब से लेकर और साहब काशीराम जी ने वो दूर करने की कोशिश करी। जो समाज सदियों से पीड़ित था, शोषित था, वंचित था, जो अधिकारों से वंचित रखा गया था, उस समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब का जो मूवमेंट था, बाबा साहब की जो विचारधारा थी, बाबा साहब की जो सोच थी, साहब काशीराम ने उसको जमीन पर उतार करके ये बहुजन समाज को दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी हजारों सालों से पीड़ित शोषित समाज को हक अधिकार दिला सकती है और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ रही है। अच्छा, ये क्या वजह रही? अभी चुनावों के नतीजे आए हैं हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, बहुजन समाज पार्टी का जो स्तर है दिन पर दिन घटते जा रहा है, आंकड़े बढ़ने की जगह घट रहे हैं। 1% कुछ वोट जो है हरियाणा के अंदर बीएसपी को मिला है, एक सीट निकल भी रही थी वो भी जो है 385 वोटों से आप लोग हार गए। जी सर भाई मेरे, ये इसके पीछे कई चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे एक तो ये है कि कभी भी नेशनल मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं दिया। हाँ, कोई बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट कोई मैसेज होगा जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला होगा, नेशनल मीडिया उसको बहुत हाईलाइट करेगा, जिससे कि पब्लिक में जो बहुजन समाज आदमी है, हमारा बहुजन समाज है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है ऐसी खबरों को सुन सुन करके। और जो हमारे फेवर की खबर होती है, जो हम मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, बहन मायावती काम करती हैं, दुनिया भर की रैली करती हैं, ट्वीट करती हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करती हैं और मीडिया पर खुल के बात भी करती हैं, उसको नेशनल मीडिया कभी हाईलाइट नहीं करता। क्यों? अगर नेशनल मीडिया बहन जी की बात को हाईलाइट करेगा या उसको दिखाएगा तो देश में बहुजन समाज जो रह रहा है वो बहन जी की जो विचारधारा है, असलियत या बहन जी क्या करना चाहती हैं वो लोगों को पता लग जाएगा। जब पता लग जाएगा तो वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है आपको बीएसपी का जो वोट है वो दो टूक हो चुका है, मतलब तमाम तो पार्टियां हैं, अब एएसपी भी काफी उभर कर सामने आई है, अब तो मतलब काफी कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है उन्होंने। हाँ शेखर भाई, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके पीछे मैं कहता ना कई कारण है, नेशनल मीडिया तो हमारा है ही है सबसे बड़ा दुश्मन, दूसरा यहाँ कुछ सामाजिक शक्तियां ऐसी हैं जो सदियों से सड़ी गली व्यवस्था को बरकरार बनाए रखना चाहती हैं, सदियों से चली आ रही व्यवस्था में ही हमारे समाज को उलझाना रखना चाहती हैं, सदियों से चला आ रहा यहाँ का सिस्टम उसको बनाए रखना चाहती है। वही शक्तियां
हमारे इस मूवमेंट को कमजोर करने में, हमारे ही पैरलर में अनेकों संगठन खड़े करने में सहयोग करती है। यही कारण है कि हमारा बहुजन समाज कहीं ना कहीं दिग्विर्मित होकर बट जाता है, अनेकों संगठनों में चला जा रहा है, अनेकों पार्टियों में चला जा रहा है। जो संगठन, जो समाज एक संगठन के साथ होना चाहिए था, वो आज कई टुकड़ों में जा चुका है। लेकिन इसका एक रीजन है पार्टी कमजोर होने का। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो सामने हैं, उसमें भी काफी अफवाहें उड़ रही हैं कि जो है पैसों के चलते टिकटें काटी जा रही हैं कैंडिडेटों की। ये सब प्रोजेक्ट किए हुए लोग होते हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी पैसे नहीं मांगती है, कभी आरोप लगाए ना। आरोप तो भाई लगाए बात की सीट से आरोप, आपको कमजोर करने के लिए आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई मेरे, वो तो मुद्दा ढूंढते हैं। और इसी चीज को हाईलाइट भी किया उन्होंने, इसी चीज को हाईलाइट भी किया है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सारी टिकटें बिकती हैं हर पार्टी में। कौन सी टिकट नहीं बिकती? बीजेपी में टिकट नहीं बिकती क्या? कांग्रेस में टिकट नहीं बिकती क्या? आम आदमी तो 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ में टिकटें बिकती हैं भाई मेरे। ये सब पार्टियां टिकट बेचती हैं, लेकिन इनके दिमाग में कौन सी पार्टी खटक रही है? बहुजन समाज पार्टी। बस इसको बदनाम करो, इसके बढ़ते हुए मूवमेंट को रोको, क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी है जो यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती है, यहाँ के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है। बोल रहे हैं पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन आपके ही कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बहन जी जो है घर के अंदर बैठी है, इसी की हवा खा रही है। इस तरह से लोग आवाज उठा रहे हैं, वो खुद घर में बैठे हैं। आप यहाँ देख रहे हो कितने हजारों आदमी यहाँ पर आए हैं आज। अगर घर में बैठी होती और ये लोग घर में बैठे होते तो यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ हजारों आदमी आए हैं साहब काशीराम को पुष्प अर्पित करने, ये वैसे ही आ गए। ये बहन जी की एक आवाज पे आए हैं, ये लोग बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं, लोग बहन जी की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, बहन जी के काम से जुड़े हुए हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं कि बहन जी आवाज नहीं उठाती है, वो शायद घर में बैठे हुए हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि बहन जी आवाज उठा रही है या नहीं उठा रही है। वो घर से बाहर खुद नहीं निकल रहे हैं भाई मेरे, उनको पता कैसे चलेगा मिशन मूवमेंट के बारे में। अच्छा, 2027 के चुनावों को लेकर क्या तैयारी है यूपी के अंदर? अभी कुछ मतलब बहन जी ने कुछ आप लोगों को 2027 का चुनाव यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा और बड़े पैमाने पे। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो चुनाव अभी तक तूफानी तरीका से नहीं लड़े गए थे, बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में तूफानी के तौर पे, जो कि पिछली बार हम उससे भी बेहतर होकर के हम इलेक्शन लड़ेंगे और आपको सरकार बना के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है, और मेरा ही वादा नहीं है, बहन जी भी बहुत सीरियस है इसके लिए। इसलिए अगर सीरियस नहीं होती तो डेली उनका ट्वीट आता है, जो भी घटना इस देश में हो रही है, जो भी वारदात इस देश में हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, बहन जी हर घटना पर, हर वारदात पर एक ट्वीट करती हैं। वो ये नहीं देखती कि जो लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमको कमजोर किया है, उनके खिलाफ बहन जी बेबाकी से आवाज उठा रही है। लोग उनकी तो भूल है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं बहन जी को कौन है बहन जी। अरे बहन जी का आज दर्द आपने देखा होगा, कितना दर्द झलका उनको आज पार्टी के प्रति। भाई ये सब देखना पड़ेगा हमारे लोगों को, हमारे लोग यार बहुत जल्दी भटक जाते हैं। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में भटक गए, बस संविधान दिखा दिखा के उन्हीं के साथ भटक गए। उन्हें ये पता नहीं है जिस मिशन मूवमेंट ने आपको एक आवाज दी बोलने के लिए, नीला पटका डाल करके तुम किसी भी अधिकारी के पास चले जाते हो, लंबी लंबी मूछ तान के चले जाते हो, ये किसकी देन है? बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहुजन समाज पार्टी ने हमें आवाज दी है, हमें स्वाभिमान जगाया है, हमारे अंदर नेतागिरी पैदा की है, हमारे अंदर सत्ता क्या होती है, सत्ता का सुख क्या होता है, वो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है आपके सामने। अच्छा, दिल्ली का जनादर जो खत्म हो चुका है, फरवरी में चुनाव जो आ गए हैं, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर? पहली बात तो आप गलत कह रहे हो, जनाधार गलत खत्म हो गया भाई साहब, कहाँ हो गया है? होता तो ये कई हजार आदमी आया है, कैसे आ गया जब जनाधार नहीं है तो? ऐसा में दिल्ली के अंदर लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो मीडिया लोग हैं, नेशनल मीडिया है, वो हमारी अफवाह बढ़ाता है भाई मेरे। हमारे जैसे जो क्रीम आई है पूरी है, आज साहब काशीराम जी को पुण्यतिथि पे जो भी पुष्प अर्पित करने आए हैं, ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी की क्रीम है, जिनके टीस है दिल में, जिनको बहुजन समाज पार्टी का ख्याल है, बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिनको दर्द है अंदर, ये सब क्रीम आई है, ये सारी की सारी क्रीम है। कई हजार आदमी आया आज, ये भाई साहब नहीं होते दिल्ली में, बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं होते तो यहाँ कैसे आ जाते? ये तो देखो ना, आप गलत अफवाह को मत फैलाइए आप प्लीज। शेखर भाई अच्छे पत्रकार हैं, आप सूझबूझ वाले पत्रकार हैं, और मैं बहुजन समाज के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हजार संगठन बना लो आप। मैं बार बार अपने बयानों में ये बात देता हूँ कि हजार संगठन बना लो, लेकिन भैया राजनीतिक पार्टी एक बनाओ, एक पार्टी की छत्र छाया में रहो,
हजारों सालों के कष्ट दूर हो जाएंगे, हजारों सालों की समस्या दूर हो जाएगी। जिस समस्या से आज जूझ रहे हो उसका समाधान हो जाएगा। बटो मत, राजनीतिक पार्टियों में मत बटो, सामाजिक संगठनों में बट जाओ, लेकिन एक उद्देश्य रखो राजनीतिक पार्टी, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी छत्र छाया में हमारा कल्याण हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशी राम जी की।